हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार, चटपटे और बहुत ही टेस्टी जीरा आलू की रेसिपी, जो आलू और घर में रखे कुछ सिंपल मसालों के साथ केवल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इन सूखे जीरा आलू को आप ट्रैवलिंग के दौरान खाने के लिए ले जा सकते हो या फिर स्कूल में बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल भी देर किए बिना फटाफट शुरू करते हैं बहुत कम समय में बनने वाले इन मसालेदार चटपटे सूखे जीरा आलू की इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, जिनका छिलका मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें चाकू से इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन आलूओं को मैं मीडियम साइज के पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इसे अपने हिसाब से बड़े या फिर थोड़ा छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हो। तो चारों आलूओं को मैंने यहाँ पर इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। तो सरसों के ऑयल को यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टी स्पून भरकर जीरा, क्योंकि हम यहाँ पर जीरा आलू बना रहे हैं तो जीरे की क्वांटिटी आप यहाँ पर ज़्यादा ही रखें। तो 1 चुटकी हींग मैंने इसमें डाल दी है, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो कुछ सेकंड तक यहाँ पर इन दोनों को रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने 1 टी स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। साथ ही इसमें ऐड की है ये 2 बारीक कटी हुई तीखी हरी मिर्च। तो दोनों को यहाँ पर एक साथ सौटे कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये उबले हुए और कटे हुए आलू, और अच्छे से इसे ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। तो ऑयल में कुछ देर तक इस तरीके से भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। तो अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो 1 टी स्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए डाला है, 1/4 टी स्पून नॉर्मल या तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और लास्ट में इसमें डाल दिया है 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहो तो इस स्टेज में इसमें खटास के लिए अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से आलूओं में कोट हो चुके हैं। तो हाथ से क्रश करते हुए मैं इसमें डाल दूंगी ये कसूरी मेथी, साथ ही इसमें ऐड करूंगी 1/2 नींबू का रस खटास के लिए। तो अच्छे से यहाँ पर इन दोनों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। तो बहुत कम समय में हमारे यहाँ पर ये चटपटे मसालेदार जीरा आलू बनकर तैयार हो गए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अच्छे से मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी। तो ये जीरा आलू दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, यकीन मानिए खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ क्यूट सी इस सर्विंग प्लेट में। तो आज मैं यहाँ पर इन्हें सर्व कर रही हूँ पूरी के साथ। पूरी के साथ खाने में ये जीरा आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें पराठे या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इन बहुत ही टेस्टी चटपटे मसालेदार जीरा आलू की इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।